दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव स्क्रीन पर। जैसा कि जब भी मैं आपके सामने जब आता हूं तब एक नया विषय लेकर आता हूं। पूरे देश में आज हमारे पास बालू माफियाओं की, जो रेत माफिया होते हैं उनकी, सारी पूरे देश में से हमारे पास खबरें आ रही है। जब से हमारे चैनल ने बालू माफियाओं का, रेत का जो अवैध तरीके का उत्खनन कारोबार है, इसके पीछे जब से हमारे चैनल ने सजगता से ये सारी न्यूज़ें जब से हम चला रहे हैं, तब से हमारे पास काफी रोज हमारे न्यूज रूम में एक नई कोई खबर होती है। आज भी एक हमारे पास एक खबर आई हुई है, बदोसा थाने के भदावल बागो नदी में हो रहा है बालू का अवैध उत्खनन। यहाँ जो खबर है यह बुंदेलखंड के हमारे ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे ने भिजवाई है। बता दें आपको कि बांदा जनपद में बालू का अवैध उत्खनन जोरों से चल रहा है और कई बार ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने अधिकारी को इस बारे में सूचना दी है, फिर भी नजदीकी थाना पर भी इसकी सूचना देने के बावजूद भी जो बालू का जो रेत माफिया जो होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि बालू माफिया जो है वो दबंग बालू माफिया है, इस वजह से यह कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा हमारे को अभी बांदा जनपद से यह हमारे पास खबर आई हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बदोसा थाना क्षेत्र के भदावल गांव में बाघे नदी का है, जहां पर दबंग रेत माफियों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। रात में चोरी से रेत निकालते हैं, जिसमें कई बार ग्रामीण व जनप्रतिनिधि अधिकारी व थाने पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दबंग रेत माफिया रेत निकलवाने में मस्त है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव का एक दबंग रेत माफिया नीरज त्रिपाठी करके है, जो रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन रात भर करवाता है। ये बताओ, यहाँ का खदानें चलती है? चोरी में चलती होंगी सब, नहीं जानते, चोरी में चलाते हूँ। तुम कहाँ गए थे? तुम तो? मैं तो ओरन गया था। ओरन कहाँ के रहने वाले हैं? भरिया। अच्छा, ये जो रास्ता बना है कहे के लिए रास्ता बनाया गया है? ये जो रास्ता बना, ये बस उसी को बनाया गया है। कहे का बालू, बालू कौन ले जाता है यहाँ से बालू? ये पता नहीं है, ट्रैक्टर वाले तो दिन में लेते हैं कि रात में? ये रात ही में लेते हैं। रात में ले जाते हैं, पता नहीं कौन ले जाता है। तो बालू चोर होंगे जो ले जाते होंगे, है ना? और क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा, हाँ, मेरा देव कुमार। देव कुमार। कई बार उच्च अधिकारियों से व थाने पर यहाँ के लोग जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई झांकने तक नहीं आता, जिससे इस तरह के बालू माफियाओं के हौसले और बुलंद है। वही लोगों के खेतों से रास्ता बनाए हुए हैं, जिसमें किसानों की फसलें भी बर्बाद कर रहे हैं। वही फसलों के बीच से रास्ता बनाकर रात दिन रेत निकाल रहे हैं, जिससे फसलों की बर्बादी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर रेत माफियों का राज्य चल रहा है और यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे यहाँ के रेत माफिया और सक्रिय है और प्रशासन इन रेत माफियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे रेत माफियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश शिवहरे, यहाँ से क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य जी। ये आपके क्षेत्र पे ये बागे नदी है, यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है जी, जी। क्या है इसमें? यहाँ निरंतर जो है अवैध खनन किया जा रहा है, इसकी शिकायत मैंने कई बार SDM साहब को लिखित दे चुके हैं, एसओ साहब को जानकारी फ़ोन से भी दे देते हैं, ऐसे गांव की क्षेत्र की जनता भी बताती है और प्रॉपर भदावल गांव की भी जनता बताती है, मुझे फ़ोन करती है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है, तो इसकी जानकारी तुरंत मैं जो है उप जिलाधिकारी महोदय तर्रा और थाना अध्यक्ष महोदय बदोसा को देता हूँ। अच्छा, तो क्या कार्रवाई अभी तक की? कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या पैसा लेकर के छोड़ देते हैं? हाँ, आप कुछ ना कुछ सिस्टम होगा तभी तो चल रही हैं। आप इतना भी देख लीजिए कि यहाँ जो है नदी में, नदी की जल धारा को भी बाधित किए हुए हैं और नदी में नदी के बीच से रास्ता बनाए हुए। तो ये दिन में करते हैं या रात में करते हैं? ये कभी कभी तो 10 बजे सुबह तक करते हैं और शाम 4 बजे से चालू कर देते हैं। और ये दिन में भी करते हैं कभी कभी। आप ये तो दूसरी खदान है, एक खदान इसके पहले चला था, उसकी भी शिकायत मैं SDM महोदय से कर चुका हूँ, वहाँ तो कईयों लाखों का अवैध खनन हो चुका है। अच्छा जी जी। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए MNS न्यूज के साथ।